हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आज मैं आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के 32 वीक्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो 32 वीक्स तक जो ट्विंस बेबी का वजन होता है वो लगभग 1 किलो 700 ग्राम के आसपास हो जाता है, और जो बेबी की लंबाई होती है वो लगभग 42 सेंटीमीटर यानी कि 16.5 इंच के आसपास हो जाती है। और जो आपके ट्विंस बेबी होते हैं उनमें एक बेबी दूसरे बेबी से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। इस समय जो आपके ट्विंस बेबी का शरीर होता है वो सर के अनुपात में होता है। कहने का मतलब है कि हम लोगों का सर छोटा होता है, बॉडी बड़ी होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों का सर बड़ा होता है, बॉडी उसकी अपेक्षा छोटी रहती है। आपके ट्विंस बेबी इस वीक तक बिल्कुल नवजात शिशु की तरह दिखना स्टार्ट कर देते हैं। 32 वीक्स कंप्लीट होने पर भी अभी भी आपके बच्चों का विकास होना बहुत ज्यादा बाकी रह जाता है। 32 वीक्स से जो आपके बेबी की हलचल होती है वो आपको बहुत ही अलग तरीके से महसूस होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे बेबी बड़े होते हैं तो आपके गर्भाशय में बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है, जिस वजह से बेबी अच्छे से घूम भी नहीं पाते हैं, बहुत ही ज्यादा हलचल भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप जब भी हलचल महसूस करेंगी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग तरीके से करेंगी, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि आपके बेबी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको हलचल बिल्कुल भी ना महसूस हो तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि हलचल बिल्कुल ना होना इस बात का संकेत होता है कि आपके बेबी ठीक नहीं है। 32 वीक्स तक आपके बेबी को REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट होना शुरू हो जाते हैं। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है जो आपके बेबी होते हैं वो गर्भाशय में ही स्वप्न देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस प्रकार की नींद की अवस्था को ही REM बोला जाता है। 32 वीक्स में कुछ ट्विंस बेबी के तो पूरी तरह से बाल आ जाते हैं, लेकिन कुछ बेबी के हल्के बाल ही आते हैं। ये जो बाल होते हैं वो जन्म के कुछ महीनों के दौरान गिर भी सकते हैं एंड उसके बाद में बढ़ भी सकते हैं। और 32 वीक्स के आसपास जो आपके बेबी होते हैं वो अपने सर को नीचे कर लेते हैं, वो अपने आप को जन्म लेने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ बेबी सर नीचे करने के बाद भी वापस दोबारा से मुड़ भी जाते हैं। आपके बेबी का जो सर होगा वो इस समय बहुत ही ज्यादा नरम और लचीला होता है, जो उन्हें वजाइना के थ्रू नॉर्मल डिलीवरी कराने में मदद करता है। और आपके बेबी की जो त्वचा होती है वो धीरे धीरे कम झुर्रीदार एंड लाल होने लगती है, क्योंकि जो शरीर की सफेद चर्बी होती है वो त्वचा के नीचे जमा होना स्टार्ट कर देती है। आपकी आवाज को बहुत ही अच्छे से सुनने लगते हैं, आप चाहे तो उनसे बिल्कुल बातें कर सकती हैं। और उनके शरीर से लैनगो भी निकल चुके हैं, और इस वीक में आपके बेबी की कंकाली हड्डियां भी डेवलप हो जाती हैं, लेकिन वो अभी भी नरम रहती हैं, लेकिन बहुत ही जल्द सख्त हो जाएंगी। आपके बच्चे की अस्थि मज्जा इस समय ब्लड सेल्स का निर्माण कर रही है, और जो बॉयज के अंडकोश होते हैं वो इस सप्ताह से उनके अंडकोश में उतरते हैं, और इस वीक से गर्ल्स में उनके गर्भाशय और अंडाशय उनके सभी अंडों के साथ होते हैं, जो कि पूरे जीवन काल रहने वाले हैं। आपके ट्विंस बेबी में अब आयरन, कैल्शियम एंड फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का भंडारण शुरू हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता, 32 वीक्स के बाद जो ट्विंस बेबी जन्म लेते हैं तो उनको NICU की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। इसलिए अगर आपकी डिलीवरी किसी भी कारणवश 32 वीक्स के बाद होती है तो आप ऐसे हॉस्पिटल में कराएं जहां पर पूरी सुविधाएं हों। अब हम बात करते हैं कि 32 वीक्स में आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण रहने वाले हैं। तो इस वीक से आपका पेट बहुत ज्यादा बड़ा होगा एंड आपको घबराहट एंड उत्सुकता दोनों ही होंगी, और आपको इस वीक से संकुचन भी हो रहे होंगे, मतलब आपके बॉडी में एकदम से दर्द उठना। उसके बाद अगर आप आराम करती हैं, पानी पीती हैं, पोजीशन चेंज करती हैं तो ये दर्द चला जाता है, तो आपको आराम मिल जाता है। तो इनको बोला जाता है झूठे लेबर पेन, यानी कि आपकी बॉडी आपको डिलीवरी के लिए तैयार कर रही है। और आपका पेट बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण आपको पीठ में भी दर्द रहेगा एंड आपकी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा ही दर्द रहने वाला है, और साथ ही आपके पैरों में बहुत ज्यादा ऐंठन होने वाली है, और आपके घुटनों में भी दर्द होगा एंड आपके ब्रेस्ट से पीले कलर का कोलेस्ट्रॉम नामक पदार्थ भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपके बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। एंड आप इस समय खुजली से भी बहुत ज्यादा परेशान रहेंगी, लेकिन याद रखें आपको बहुत ज्यादा खुजली होने पर आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये कोलेस्टेसिस का संकेत हो सकता है, जो कि लीवर की समस्या होने पर होता है।
सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है क्योंकि आपके गर्भाशय का साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो आपके फेफड़ों और अदर ऑर्गन्स को दबाना स्टार्ट कर देता है और आप बार बार यूरिन जाने की समस्या से भी परेशान होंगी और आपको चक्कर आने की भी समस्या हो सकती है और किसी किसी को तो सूजन की भी समस्या हो रही होगी और आपको इस वीक से नींद न आने की भी समस्या हो रही होगी और ये आपके शरीर में दर्द, आपके पीठ में दर्द, आपके घुटनों में दर्द एंड इसके साथ ही आपको डिलीवरी की टेंशन एंड आपको बेचैनी एंड घबराहट और ट्विंस बेबी के माता पिता बनने बहुत ज्यादा चिंता होने की वजह से आप अच्छे से नहीं सो पा रही होंगी और आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द की भी समस्या बहुत ज्यादा हो रही होगी। बस आपको ये सोचना है कि आप हेल्दी रहें एंड आपके दोनों बच्चे स्वस्थ रहें, फिर चाहे वो सी सेक्शन से आए हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी से, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और आप एक बात ध्यान रखें, आप बहुत ज्यादा चिंता करके प्री मैच्योर लेबर पेन को दावत दे रही हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी चिंता ना करें और ये जो सारे लक्षण है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकती हैं और आप लोग वीडियो को लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर किया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।